नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, अभी आपका जारी हो चुका है। आप सभी को पता है जो दो विषय के जारी हो चुके हैं, इसी कड़ी के अंदर लगातार सभी विषय के जारी हो जाएंगे। जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि मेरे कितने नंबर आए हैं, कौन से विषय के अंदर कैसे कैसे कितने नंबर आए हैं, फर्स्ट पेपर में कितना है, सेकेंड पेपर में कितना है, और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप सभी को पता है रिजल्ट अपना आना शुरू हो चुका है, मेरे कितने नंबर है इनके बारे में जानकारी देखेंगे, कैसे चेक करते हैं इनके बारे में देखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आपको ORZAT ऐप डाउनलोड करना है, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया और भी बता देता हूँ। और आप अभी EORO का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए मैं आपको स्पेश कर देता हूँ कि आप EORO का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र ई बुक जरूर पढ़ना एक बार, 1360 प्रश्न है उसके अंदर, बी पार्ट है जो आपका 400 प्रश्नों का स्पेशल दे रखा है मात्र और मात्र 15 रुपये का। तो आप जल्दी से डाउनलोड करिए ORZAT एप्लीकेशन, उसके अंदर आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। और राजस्थान के संपूर्ण जीके के नोट्स और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, ये सभी नोट्स आपको उपलब्ध हैं और नोट्सों के साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। गूगल के अंदर आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर या कुछ और ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर सर्च करेंगे SSO। जैसे ही SSO सर्च करके गूगल में सर्च करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका इस टाइप से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि आपको SSO.rajasthan.gov.in। तो इसके अंदर आपको SSO ID टाइप करना है और इधर अपना पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे कैप्चर भरने का ऑप्शन मिल रहा है, इस कैप्चर को भरना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे ही मैं इसमें इंटरफेस दिखा है, आपको हो सकता है पहले किसी ने ओपन किया है तो उस हिसाब से रिसेंट है कि एप्लीकेशन दिखे, तो उसके अंदर आपको रिसेंट पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 और रिक्रूटमेंट पोर्टल 2 ऑप्शन है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट वाले पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इस टाइप के इंटरफेस के अंदर माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है आप सभी को। जैसे ही माई रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी वैकेंसीज थी उस हिसाब से आपको नाम आ जाएगा, जैसे रीट है, CET है और सभी इस टाइप से जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सभी आपके इसके लिस्ट के अंदर शो कर देगी, जिसके अंदर जो डेट क्लोज होगी उसका क्लोज दिखा जाएगा, जिसका आपने फॉर्म भरा व्यू एप्लीकेशन हो जाएगा, और भी आपकी डेट कोई चल रही होगी तो यहाँ पे डेट चलने का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखेगा, जिसके अंदर आपको शो करेगा गेट रिजल्ट का ऑप्शन। जैसे ही आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सीधा अपना नंबर शो कर देता है कि आपके इतने नंबर आए हैं, आपके इस विषय के अंदर इतने नंबर आए हैं, और ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो हो जाती है। उस टाइप से आप इस हिसाब से देख सकते हैं। और आपको भूलना नहीं है ORZAT एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, आपको बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 8875178005178 00 पे। कोई भी आपकी सॉल्यूशन के लिए आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपके लिए हमारी टीम पूरे 24 घंटे आपके साथ जुड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।